कल रात क्या राजकुमार बाबू अपने कमरे में थे? जी थे, रात 9:15 बजे मैंने खुद अपने हाथों से उन्हें डिनर दिया था। अच्छा, राजकुमार बाबू कल रात मेन गेट कितने बजे बंद हुआ था? आप 11 बजे आए, उसी के बाद मैंने दरवाजा बंद कर दिया। आवाज क्यों नहीं देते? राजकुमार बाबू, क्या हुआ? मैनेजर बाबू, जल्दी से किसी डॉक्टर को बुलवा दीजिए, मुझे बहुत बुखार है। मैं डॉक्टर हूँ। कौन धर, तुम यही रहना, मैं अभी आता हूँ, जाना नहीं। जी, जबान दिखाइए जरा। कुछ नहीं हुआ है, जरा सी सर्दी लग गई है, 2 एस्प्रिन भेज देती हूँ, खाके आराम से लेटे रहिएगा। बुखार है? हाँ, करीब 99 होगा। शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। सब ठीक हो जाएगा, अंदर बाहर की सर्दी गर्मी की वजह से आपको ठंड लग गई है, एस्प्रिन भिजवा देती हूँ, खा लीजिएगा। फीस कितनी दूँ? आप आराम से लेटे रहिए, फीस की कोई जरूरत नहीं। इस कमरे में क्या हुआ? क्या मालूम, जल्दी आइए, एक आदमी का खून हो गया, जी हाँ, होटल अनुपमा में। आइए इंस्पेक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आप आ गए, बहुत अच्छा किया। आप ही इस होटल के मैनेजर हैं जिन्होंने पुलिस स्टेशन फोन किया था? जी हाँ। लाश सबसे पहले किसने देखी? जी मैंने देखी। लाश है कहाँ? ऊपर कमरा नंबर 102 में। आपका बयान बाद में रजिस्टर करता हूँ, सबसे पहले लाश देखते हैं। आइए डॉक्टर साहब। चलिए। खोलिए। जी आइए। डॉक्टर साहब, आप जरा लाश का मुआयना कीजिए। ये मामला क्या है, हमें भी तो पता चले, मुझे अभी निकलना है। आप कौन है? आप कमरा नंबर 101 में हैं, डॉक्टर शोभना सेन, यात्री हैं। देखिए, कल रात इस कमरे में खून हो गया है, होटल में जितने लोग रह रहे हैं मुझे उनका बयान लेना पड़ेगा, और बयान लेने से पहले मैं किसी को होटल से बाहर जाने नहीं दूंगा, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, सबसे पहले आपका बयान लेकर आपको छोड़ दूंगा। खून हो गया? कब, किसने किया? खून किसने किया ये तो मालूम नहीं, लेकिन अब अपने कमरे में बैठिए, हम आते हैं आपका बयान लेने। अभी अच्छा हुआ तुम आ गए, नीचे जो सिपाही खड़ा है उसको साथ लेकर पहले और दूसरे मंजिले पर जितने भी यात्री हैं उनका नाम और पता नोट करो, और उनसे पूछताछ करो कि वो कल रात कहाँ और क्यों थे। हाँ, और कमरा नंबर 103 और 101 की पूछताछ मैं करूँगा। जाओ। हाँ डॉक्टर, क्या पता चला? छुरी से वार हुआ है या फिर किसी लंबे पेने जैसे हथियार का इस्तेमाल हुआ है, फेफड़े और हड्डियों में से होकर दिल में घुस गई है। ये किसी पेशेवर कातिल का ही काम हो सकता है, एक ही वार में मरने वाले की मौत हुई है। खून का समय क्या था? मैं ठीक से ऑटोप्सी के बगैर बता नहीं सकता, फिर भी लगभग 9 और 12 के बीच में हुई है। तो इनके मुंह पर जो दाग हैं वो कितने पुराने लगते हैं? अंदाजन यही कोई 10-12 साल पुराने। अच्छा, आप ये बता सकते हैं कि उनकी उम्र क्या होगी? शक्ल देखने से तो कुछ पता नहीं चलता। यही कोई 40 के लगभग। डॉक्टर साहब, अगर आपका काम खत्म हो गया तो आप जा सकते हैं, मैं लाश आपके पास अस्पताल में भिजवा देता हूँ, आप उसका पोस्टमार्टम कर दीजिए, लेकिन मुझे रिपोर्ट कल तक चाहिए। हाँ राइट सर। मैनेजर साहब, आप जाकर अपने दफ्तर में बैठिए और नीचे से कांस्टेबल को ऊपर भिजवा दीजिए। ऐसा करते वो जो महिला है उनसे भी निपटा ले। महिला है, ऊपर से डॉक्टर तो उनका हक पहले बनता है ना। चलिए सबसे पहले आपसे ही पूछताछ खत्म करते हैं। जी हाँ, जितनी जल्दी हो सके मेरा छुटकारा कीजिए, मेरे कामों का बहुत हर्जा हो रहा है। बस 2-4 सवाल और उसके बाद आप काम पर जा सकते हैं। पूछिए। आपका पूरा नाम?
डॉक्टर मिसेज शोभना राय। उम्र? 45 बरस। पति का नाम? स्वर्गीय राम रतन राय। आप डॉक्टर हैं लेकिन आप डॉक्टरी कहाँ करते हैं? बहरामपुर। आप कलकत्ता क्यों आए? मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, औरतों की बीमारियों का इलाज करती हूँ। यहाँ के सेवा सदन के साथ मेरा संपर्क है, इसी सिलसिले में कभी कभी आती जाती हूँ। कलकत्ता में आपका कोई रिश्तेदार है? मेरा कोई कहीं नहीं है। बाल बच्चे? जी नहीं, एक लड़की थी जो बहुत पहले गुजर गई। कलकत्ता जब आप आती हैं तो यहीं ठहरती हैं? हाँ। इस बार कलकत्ता कब आई? परसों। कल रात आपके पास वाले कमरे में राजकुमार बासु नाम के एक सज्जन का खून हो गया, आप उनको पहचानती हैं? जी नहीं, कभी नाम नहीं सुना। राजकुमार को आपने कभी देखा? नहीं नहीं, आसपास रहती हैं इसलिए मैंने पूछा। जी नहीं, पहले कभी नहीं देखा, वो चेहरा देखती तो जरूर याद रहता। आप कल रात 8 बजे कहाँ थी? 8 बजे मैं सेवा सदन अस्पताल से वापस आई, हाथ मुंह धोकर कपड़े बदलकर नीचे डाइनिंग हॉल में खाना खाने चली गई। 9 बजे से पहले ही मैं कमरे में वापस आ गई और फिर कमरे से बाहर नहीं निकली। रात को कुछ पता चला आपको? 9:15 बजे मैं सो गई थी, लेकिन रात भर नींद बार बार टूटती रही, पास वाले कमरे में आवाज की वजह से। पास वाले कमरे से आवाजें? लेकिन कैसी आवाजें? कमरे में आवाज हो रही थी या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन कमरे का दरवाजा बार बार खुल रहा था, बंद हो रहा था। तब क्या वक्त था? घड़ी तो नहीं देखी थी, अंदाजन 9:30 का समय होगा। आपने कुछ किया? मैं क्या करती, होटल में तरह तरह के लोग आते हैं, उन्हें दूसरों की सुख सुविधा की तो चिंता नहीं होती। आपको सुबह कब पता चला? खून हुआ है आप ही से पता चला, सुबह सुबह नौकर चाय दे गया, फिर तैयार होकर नाश्ता करके बाहर जाने के लिए निकलने ही वाली थी कि साथ वाले कमरे में से दरवाजा खटखटाने और चीखों पुकार की आवाजें सुनाई दी। मैंने अपने कमरे से निकल कर देखा तो खान सामा और मैनेजर बाहर खड़े थे। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ तो किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैं 103 नंबर कमरे में चली गई। 103? हाँ, 103 नंबर कमरे में आप क्यों गई? वहाँ एक सज्जन बीमार हैं, वो डॉक्टर को बुलवा रहे थे, मैं उन्हें देखने चली गई। आप उन्हें पहचानती हैं? देखा तो था लेकिन कोई जान पहचान नहीं, मैं तो उनका नाम तक नहीं जानती। उन्हें हुआ क्या था? सर्दी की वजह से मामूली बुखार हुआ था। फिलहाल और कुछ नहीं, आप काम पर जा सकती हैं, लेकिन हमें बिना बताए आप कलकत्ता छोड़कर नहीं जा सकती। सुनो। यस सर। हेड ऑफिस फोन करो और उनसे कहो कि एक फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को यहां भेजे। ओके सर। व्योमकेश बाबू, ये औरत काफी तीखे मिजाज की है और निडर भी, लगता है पुलिस के तौर तरीकों से काफी वाकिफ है। क्यों नहीं, आखिर डॉक्टर जो है। आइए। ये देखिए, कुछ रुपए मिले हैं, गिनिए। सुकांत सोम, आप क्या कहते हैं? ये 1200 है। मुझे तो लगता है ये आदमी अपने कमरे में आया होगा, कपड़े निकाले और लुंगी बनियान पहनकर लेट गया होगा। रात को किसी ने जरूर खटखटाहट की होगी दरवाजे पर, ये उठे होंगे, बस दरवाजा खुलते ही उसने सीने में छुरा झोंक दिया होगा, ये वहीं के वहीं दरवाजे के पास बस गिर पड़े। खूनी कमरे के अंदर नहीं आया। ये जो सूटकेस में जो आप कह रहे रुपए मिले वो तो सही सलामत है, लेकिन इस डायरी में सुकांत सोम नाम लिखा है, जबकि इस कमरे में रहने वाले का नाम राजकुमार बासु है। हाँ तो राजकुमार बासु तो क्या असली नाम तो नहीं लगता, शायद असली नाम सुकांत सोम होगा।
देखिए हर पन्ने पे शहर का नाम और कुछ लोगों के नाम लिखे हैं, जैसे पहला है बनारस, हरिनाथ कुंडू, राम सेवक सिंह, दूसरा है कटक। सुकांत सोम नाम को जाना पहचाना सा लग रहा है, आपको मालूम है सुकांत सोम? सुना है कभी? नहीं, मैंने तो नहीं सुना। दूसरा है कटक, श्रीनाथ पटनायक, सुधीर मिश्र, राम किंकर महापात्र। तीसरा है जलपाईगुड़ी, हरिदास भट्टाचार्य, गनपाइन, जसोदा पाल। ये देखिए, ये कल ये पन्ना कलकत्ते का है, इसमें चार नाम है, मोहनलाल कुंडू, श्याम कांत लाहिरी, जगबंधु पात्र और लतिका चौधरी। इनके पते भी लिखे हुए हैं और हर एक नाम के आगे एक रकम लिखी हुई। लगता है ये आदमी जरूर ब्लैकमेल कर रहा था लोगों को, ऐसा जान पड़ता है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि शायद ये इंश्योरेंस का दलाल हो। इंश्योरेंस का दलाल है, लेकिन कोई इंश्योरेंस के दलाल का खून क्यों करेगा, फिर अपना इनाम क्यों बदलेगा? तो आपका ये कहना है कि राजकुमार बासु जिन लोगों को ब्लैकमेल करता था उनमें से ही किसी ने उसका खून कर दिया? ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये जो चार लोग हैं शायद इनसे अगर हम पूछताछ करें तो काफी कुछ पता चल जाएगा। चलिए, वो 103 में कौन है उस मेहमान से जरा मिलते हैं। आइए आइए, रखिए अपने पास। आइए, चलिए। एक सौ दो नंबर में जो रहते थे कल रात उनका खून हो गया, उनका नाम था राजकुमार बासु। क्या अपने पहचानते? राजकुमार बासु जी, मैं नहीं जानता। खून कैसे हुआ, किसने किया? ये तो नहीं मालूम, लेकिन पता चल जाएगा। आपका नाम क्या है जी? एस सन्याल। कहाँ के रहने वाले हैं? भागलपुर का। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने लेटे रहने के लिए कहा है। किस डॉक्टर ने? जी लेडी डॉक्टर ने, मुझे ठंड लग रही है, कहा है एस्पिरिन खा के लेटे रहिए। अच्छा बताइए, लेडी डॉक्टर अच्छी होती है? नहीं, हाँ हो सकती हैं। आपको ठंड कैसे लगी? जी कल शाम ढलते ही मैं टहलने के लिए निकला था, बदन पे शॉल नहीं थी, बस ठंड लग गई। आप रात को बाहर निकले थे? नहीं, रात में डाइनिंग हॉल से खाना खा के सीधे अपने कमरे में 9 बजे आ गया, फिर कहीं नहीं गया। आप कलकत्ता कब आए? जी 3 दिन हो गए, आज ही वापस जाने की बात हो रही थी, लेकिन आप कलकत्ता क्यों आए? मेरा घी का धंधा है, गंगूराम को घी सप्लाई करता हूँ, मेरा अक्सर कलकत्ता आना होता है। अच्छा, ठंड लगने से क्या निमोनिया भी हो सकता है? हाँ हो सकता है, लेकिन आपको नहीं होगा, आपकी तो अच्छी खासी सेहत है। आपकी उम्र क्या है? 40। वैसे दिखने में मैं अच्छा खासा दिखता हूँ, लेकिन अंदर से कमजोर हूँ, जरा सी बात पे बीमार हो जाता हूँ, ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है कभी कभी, लेकिन ये राजकुमार जी, मुझे अक्सर भूख लगती है, कुछ खाने से बीमारी कहीं ज्यादा तो नहीं हो जाएगी ना? गर्म दूध में डबल रोटी डालकर खाइए। मतलब आप राजकुमार जी को नहीं पहचानते? जी कभी नाम भी नहीं सुना। सुकांत का नाम तो सुना है? जी क्यों नहीं सुना, वो तो मेरा साला था, पिछले साल ही गुजर गया। बेचारा, अपने कल रात कोई आवाज सुनी? जी नहीं, मैं तो कमरे में आते ही सो गया, सोते ही नींद आ गई। ठीक है जी, कल रात जिसका खून हुआ क्या बंदूक से हुआ? नहीं, छुरे से हुआ। अब आप ऐसा कीजिए, लेट जाइए और कलकत्ता छोड़ने से पहले आप पुलिस को इत्तला जरूर कीजिएगा। हाँ लेट जाइए, आइए ब्योमकेश जी। मेरा नाम हरीश चंद्र होड़ है। आपकी उम्र? 45 साल। मैनेजर साहब, आप इसी होटल में रहते हैं? जी हाँ। कितने दिनों से? जी मैं पिछले 8 सालों से रह रहा हूँ। राजकुमार बासु के बारे में आप क्या जानते हैं? जी वो पटना से हैं। एक मिनट। जी हाँ, मिस्टर राजकुमार बासु, 7/10 आदमपुर पटना। पिछले 5 सालों से वो साल में 2 बार आया करते थे, बस 2-4 दिन ही रुका करते थे, होटल से बाहर नहीं जाते थे।
यहीं से अपने दोस्तों को फोन किया करते थे, बस इससे ज्यादा मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानता। इस बार कब आए? जी परसों। किसी को टेलीफोन किया था? परसों रात को आए थे, उस रात तो नहीं किया, हाँ कल जरूर किया था। राजकुमार बासु जब भी इस होटल में आकर ठहरते थे, क्या उसी कमरा नंबर 102 में ठहरते थे? जी नहीं, जो भी उस वक्त खाली होता था उसी में ठहर जाते थे। राजकुमार बासु काम क्या करते थे? I'm sorry, ये तो मैंने कभी पूछा नहीं। और उनके साथ आपका कुछ लेन देन था? लेन देन तो नहीं था, इस बार उन्होंने मेरे पास 5,000 रुपये जमा करवाए थे। 5,000? इन रुपयों की आपने कोई रसीद दी थी उनको? दरअसल वो पैसे एक दो दिन के लिए हिफाजत से रखने के लिए देते थे, इसलिए रसीद की कभी जरूरत नहीं पड़ी। कल रात जब खून हुआ, क्या आप होटल में थे? हाँ वो मैं हमेशा होटल में रहता हूँ, मेरी पत्नी और बच्चे ढाकुरिया में किराए के मकान में रहते हैं, बीच बीच में मैं उनसे मिलने चला जाया करता हूँ। कल भी मैं उनसे 2 घंटे के लिए मिलने चला गया था, जब रात को मेहमान डाइनिंग टेबल पर बैठे तो मैं उनसे मिलने चला गया और फिर 11 बजे के करीब वापस आ गया। कल रात जब खून हुआ तब क्या आप होटल में थे, हाँ या ना? नहीं। आपकी गैरहाजिरी में इस होटल का इंचार्ज कौन होता है? सरदार खान सामा गुणधर गुई। उसे बुलवाइए। राजकुमार बासु जिनका खून हुआ है उनके बारे में क्या जानते हो? कि वो ज्यादा कुछ तो नहीं जानता, वो कभी कभी यहाँ आते थे, 2-3 दिन रुकते थे और फिर चले जाते थे। तुम्हारे साथ कभी उनकी बातचीत होती थी? जी बहुत कम, नहीं के बराबर। कभी कुछ खाने पीने को मंगा लेते थे, बस और कुछ नहीं। उनकी देखभाल कौन करता था? जी मैं ही करता था, बेड टी, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कुछ मैं ही पहुंचा दिया करता था। ये पहले मंजिले पर जो रहते हैं उनकी देखभाल मैं ही करता हूँ, और दूसरे मंजिले पर जो राजकुमार बासु डाइनिंग रूम में खाना खाने नहीं जाते थे? जी नहीं। कल तुमने आखिरी बार उन्हें कब देखा? जी 9:45 बजे मैं उन्हें डिनर देने गया, फिर 9:15 बजे मैं जूठे बर्तन उठाने गया, तब वो जिंदा थे। 9:15 बजे वो जिंदा थे? जी। क्या तुम बता सकते हो कि वो डाइनिंग रूम में खाना खाने क्यों नहीं जाते थे? वो तो नहीं मालूम हुजूर, लेकिन उनके चेहरे पे कटे कटे दाग थे, शक्ल जरा यूं ही सी थी, तभी शायद वो लोगों के सामने नहीं आते थे। लेकिन लोग उनसे मिलने आते थे? जी वो तो आते थे हुजूर। कल कौन कौन आया था? ये नहीं मालूम, लेकिन जनरल सिंह बता सकता है। ये जनरल सिंह कौन है? जी होटल का दरबान है, वैसे तो उसका नाम रामप्रीत सिंह है, पर सभी उसे जनरल सिंह कहकर पुकारते हैं। तो बुलवाइए जनरल सिंह को। तुम वाकई जनरल लगते हो, तुम ये होटल के मुख्य दरवाजे पे पहरा देते हो। जी सरकार, सुबह 9 बजे से 12 बजे तक, शाम को 5 से रात 10 बजे तक मेरा ड्यूटी रहती है। जो कोई आता जाता है क्या तुम उसका नाम और पता नोट करते हो? जी नहीं सरकार, ऐसा कोई भी हुक्म नहीं है। कोई भी अगर अच्छा कपड़ा पहनकर यहाँ आता है तो मैं उसको सैल्यूट करता हूँ, कोई भी अगर मेहमान का कमरा पूछता है तो मैं वो बताता हूँ। यानी तुम किसी को नहीं रोकते? अच्छा कपड़ा पहन के जो आता है उसको मैं नहीं रोकता हूँ। यानी जो फटे पुराने कपड़े पहन के आया उसको तुम रोक देते हो? हाँ, उसको मैं बुरी नजर से घूरता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, कल शाम को राजकुमार बासु के कमरा नंबर 102 में उनसे मिलने कोई आया था अच्छे कपड़ों में? जी आए थे, 3 जन आए थे, 2 मर्द और 1 औरत। करीब रात 9:15 बजे आई थी औरत, मुझसे कमरे का नंबर पूछकर ऊपर गई और 5 मिनट बाद वापस चली गई। उसकी उम्र कितनी थी? 25-30 की होगी सरकार, लंबी गोरी, आंखों में चश्मा था। ठीक, फिर? फिर रात 9:30 बजे करीब आया एक मर्द, उन्होंने भी मुझसे कमरे का नंबर पूछा, ऊपर चले गए और 5-6 मिनट बाद फिर वापस चले गए। दुबला सा आदमी था और थोड़ी थोड़ी मूछ दाढ़ी भी थी। ठीक है, फिर उसके बाद? 9:45 बजे आया दूसरा आदमी, एक मोटा ताजा बंगाली बाबू, वो भी 5 मिनट बाद चला गया।
फिर मेरा ड्यूटी का दरमियान और कोई नहीं आया। बहुत अच्छे जनरल सिंह, अब तुम जा सकते हो। राजकुमार बासु के 5,000 रुपए आपने कहाँ रखे? तिजोरी में। एक काम कीजिए, ये 1,200 रुपए और रखिए, ये मुझे उनके सूटकेस से मिले थे, और पूरे रुपयों की रसीद दे दीजिए मुझे आप। जी सर, मैंने दुमंजिले के सभी लोगों के बयान ले लिए। सभी लोगों का कहना है कि डिनर के बाद वो अपने अपने कमरों में चले गए थे और उसके बाद कोई बाहर नहीं निकला। बयान सच्चे हैं नहीं, इसकी छानबीन की कैसे करता सर? सबके कमरे अलग अलग हैं, लेकिन एक सबूत है, दुमंजिले की सीढ़ियों के सामने एक नौकर सोता है, उसे छलांग कर सीढ़ी उतरना नामुमकिन है। मैंने उससे भी जवाब तलब किया था, लेकिन उसने कहा कि वो रात 10 या 10:15 बजे सो गया था और उसके बाद कोई सीढ़ी नीचे नहीं उतरा। और पहले मंजिले पे? पहले मंजिले पे भी यही हाल है सर। मैनेजर बाबू जी, यह आपके होटल में नौकर लोग सीढ़ियों के सामने क्यों सोते? जी वो रात को किसी को किसी चीज की जरूरत पड़ जाए तो बस यही सोचकर ये इंतजाम किया है। ओ समझा। व्योमकेश बाबू, आज का काम फिलहाल यही खत्म समझिए। हाँ ये देखिए, ये रहे 4 नाम जो राजकुमार बासु की डायरी में मिले थे, 3 आदमी और 1 औरत। अब बोले तो इनसे भी लगे हाथों मिल लें। हाँ क्यों नहीं, अगर आज ये सब मिल गए मुझे तो लगता है कि आज ही खूनी का पता चल जाएगा। ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत खुशी की बात है। ये देखिए, जग बंधु पात्र यहाँ से बहुत करीब रहता है, चलिए मिल लें। आजा, दरवाजा खुला है। आप ही का नाम जगबंधु पात्र है? हाँ क्या बात है? कल रात निरुपमा होटल में राजकुमार बासु नाम के एक सज्जन की हत्या हो गई। राजकुमार की हत्या हो गई? हाँ, उसी सिलसिले में मुझे आपसे कुछ 2-4 सवाल पूछने हैं। बैठिए 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 बैठिए, मैं अभी आया। आप क्या लेंगे, चाय कॉफी? नहीं आप उसकी चिंता मत कीजिए, बैठिए मैं अभी आया, बैठिए। चलिए ब्योमकेश बाबू, ये तो मिल गया। अब दूसरा नंबर है मोहन कुंडू, उसका पता है 119A पाना पुकुर लेन। क्या हो गया इन्हें? हाँ कहाँ गए? हाँ हाँ जगबंधु बाबू, अरे जगबंधु बाबू, लगता गायब हो गए। अरे गायब कैसे हो जाएंगे, मैं अंदर जाके देखता हूँ, आओ तो मेरे साथ। जगबंधु लगता है चिड़िया उड़ गई। ये रेस कोर्स का टाउट मालूम पड़ता है, लेकिन ये भागा क्यों? चोर की दाढ़ी में तिनका, जरूर के गुनेगार है, पुलिस को देखते ही 9-11 हो गया। हेलो, हाँ मैं इंस्पेक्टर दीपक बोल रहा हूँ, यहाँ एक पुलिस की टुकड़ी भिजवा दीजिए, 54 प्राम भादुड़ी लेन। हाँ यहाँ उंगलियों के निशान भी जरूर मिलेंगे। मैं यहाँ एक पुलिस कांस्टेबल छोड़े जा रहा हूँ। कोश तुम यही रहना, और टुकड़ी आने वाली है। हाँ ठीक है, लगता है ये दागी आसामी है। व्योमकेश बाबू, ये जगबंधु ही
राजकुमार बासु का कातिल लगता है, इसीलिए भाग गया। कुछ कहा नहीं जा सकता, शायद नहीं। हाँ, राजकुमार बासु की मौत की खबर सुनकर चौंका जरूर था, लेकिन चौंकना बनावटी था। चलिए। मोहनलाल कुंडू तो पत्नी समेत काशी घूमने चला गया, उधर श्यामाकांत लाहिड़ी घर पर नहीं है, दफ्तर में है। दोनों जगह से मायूस हुए हैं। देखे लतिका चौधरी घर पर है या नहीं। आप परेशान न हो, आपको आने की जरूरत नहीं, मुझे बस पुलिस का एक आदमी दे दीजिए। नमस्कार। नमस्कार। वो घर पर नहीं है। आपका नाम ही लतिका चौधरी है। हाँ? आप ही से काम है, बस दो चार सवाल करने हैं। बैठिए। आपके पति का नाम क्या है? तारा कुमार चौधरी। क्या काम करते हैं? इंजीनियर, रेलवे इंजीनियर है। बाल बच्चे? नहीं। अच्छा, कल रात करीब 9:15 बजे आप निरुपमा होटल गई थी? नहीं, नहीं तो मैं तो सिनेमा गई थी। लेकिन होटल के दरबान ने आपको देखा, वो तो आपको शिनाख्त कर सकता है। लेकिन मैं तो सिनेमा देखने गई थी, आलिया थिएटर। टिकट की कॉपी भी है मेरे पास। आपने सिनेमा का टिकट खरीदा जरूर था, लेकिन सिनेमा खत्म होने से पहले आप निरुपमा होटल गई थी राजकुमार बासु से मिलने। लेकिन लेकिन राजकुमार बासु, मैं तो नहीं पहचानती उसे। सुकांत सोम को तो पहचानती है। मुझे मालूम है कि राजकुमार बासु, सुकांत सोम एक ही इंसान का नाम है। वो आपको ब्लैकमेल कर रहा था। कल रात को 9:15 बजे आप सिनेमा से लौटते समय निरुपमा होटल गई उन्हें रुपए देने के लिए। आप मुझे सारा किस्सा बताइए, आपको कुछ नहीं होगा। बताती हूँ, ये सब आप क्यों जानना चाहते हैं आप ही जाने, लेकिन ये बात मेरे पति तक ना पहुंचे। देखिए, आप निश्चिंत रहिए, अगर बहुत जरूरी ना हो तो किसी को कुछ नहीं बताएंगे। बारह 13 साल पहले, तब मैं अविवाहित थी, स्वतंत्र विचार की लड़की थी मैं, खुद को बहुत आधुनिक समझती थी, अमीर बाप की लड़की थी, घर में कोई बंधन या रोक टोक नहीं था। मैं अपने साथी सहेलियों के साथ पार्टी, पिकनिक, सिनेमा थिएटर में रमी रहती थी रोज। उन दिनों में फिल्मों में एक हीरो था, सुकांत सोम। देखने में जितना वो सुंदर था, उतना ही अच्छा उसका अभिनय भी। मैं उसके प्रेम में पागल सी हो गई। शायद वो उम्र ही ऐसी कुछ थी, 24 घंटे मैं उसी का ध्यान करती रहती। संगी साथी मुझे समझाते, लेकिन मैं तो जिद पकड़ कर बैठ गई कि शादी करूंगी तो सुकांत से ही करूंगी। उसे मैंने चिट्ठी लिखना शुरू कर दिया, फिर छुप छुप के मिलने भी लगी, और तब पता चला कि सुकांत विवाहित थे, घर में उसकी पत्नी थी, और फिर मेरा प्यार ठंडा पड़ गया। मेरे पिताजी को पता चला या पता नहीं कैसे, लेकिन उन्होंने मेरी शादी फौरन कर दी। मेरे पति सच्चन आदमी है, लेकिन कर्तव्य परायण। जैसे वो खुद जिम्मेदारी निभाते हैं, वो चाहते हैं कि हर आदमी कर्तव्य परायण हो। उनके संपर्क में आके मैं धीरे धीरे बदल गई, मेरे पति को प्यार से और श्रद्धा से देखने लगी। हमारी कोई संतान नहीं है,
लेकिन हमारा विवाहित जीवन सुखमय है। कुछ दिनों बाद अखबार में एक सनसनीखेज खबर छपी, सुकांत ने अपनी पत्नी का खून कर दिया था। केस अदालत में गया और सुकांत छूट गया, इसलिए कि उसने अपनी पत्नी का खून आत्मरक्षा के लिए किया हुआ था। पत्नी ने पति पर छुरे से वार किया था, उसके मुंह पर भी कई वार किए और सुकांत ने अपनी पत्नी का गला दबाकर उसको मार दिया। ऐसे ही 3-4 साल गुजर गए, सुकांत का फिल्मी जीवन खत्म हो गया था। इस तरह से कटे हुए जख्मी चेहरे को लेकर उसको फिल्मों में कौन काम देता। एक दिन यकाया को अपनी घिनौनी शक्ल लेके मुझसे आ मिला। उसने कहा कि मुझे पैसे दो, ज्यादा नहीं, सिर्फ 300 रुपये 6-6 महीने बाद। यह रकम तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती, लेकिन अगर पैसे नहीं दिए तो बहुत सारे खत जो तुमने मेरे नाम लिखे थे वो मैं तुम्हारे पति को दिखा दूंगा। तब से 6-6 महीने बाद मैं उसे 300 रुपये देती आई हूँ। 300 रुपये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमेशा डर सा लगा रहता है कि इन्हें कुछ पता ना चल जाए। बस इसी वजह से मैं कल निरुपमा होटल गई थी, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं मालूम। आपकी बातों से हमें बहुत कुछ पता चला, धन्यवाद। अब आपको एक खुशखबरी दे देता हूं। कल रात 9:15 और 11 के बीच में सुकांत सोम उर्फ राजकुमार बासु का खून हो गया। अब आपको 6-6 महीने बाद रुपए नहीं देने पड़ेंगे। आप बैठिए, कम से कम आपको चाय तो पिला दो। नहीं नहीं, थैंक यू। चलो चाय पी ही लेते हैं, काफी वक्त हो गया। श्रीमती जी की आत्मकथा तो सुनी, लेकिन खूनी कौन है इसका कुछ पता चला? कुछ पता नहीं चला ये तो कहा नहीं जा सकता। आज जितने बयान लिए हैं काफी क्लूज मिले हैं। लतिका चौधरी के बयान के मुताबिक सुकांत सोम के बारे में तो जरूर पढ़ना होगा, 10-12 साल पुरानी बात है। मैं आज ही सेंट्रल लाइब्रेरी जाता हूँ, आज का दिन तो गया समझो। आप ऐसा कीजिए, आज की जो रिपोर्ट है इंस्पेक्टर सरकार को दे दीजिए, मैं कल सवेरे पुलिस स्टेशन आता हूँ। गए आप? और कितने दिन तक हमें अटका के रखेंगे आप लोग? मेरे जैसी एक डॉक्टर को इस समय यहाँ अटका के रखना कानून के खिलाफ है, ये भी मालूम है आपको? अगर आपको मेरे खिलाफ कोई शिकायत है तो आप अदालत में जाइए, हमें आपसे 2-4 सवाल जरूरी और पूछने। आपके ये 2-4 सवाल कब खत्म होंगे? देखिए, अब सवाल मैं करूंगा और इतना आपको विश्वास दिला दूं कि ये आखिरी सवाल होंगे। आप कौन हैं? आप हैं ब्योमकेश बख्शी, इनका नाम आपने जरूर सुना होगा। आइए आइए। डॉक्टर शोभना, आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। ये क्या मजाक है? मजाक नहीं, आप बैठिए, बैठिए तो सही, बैठिए। ठीक है, जो भी कहना है जल्दी कह डालिए, मैं आज ही बहरामपुर जाऊंगी। ये तो बाद की बात है, ये कहानी मैंने अखबार में पढ़ी, आपको सिर्फ संक्षेप में बताता हूं। सुकांत सोम नाम के एक फिल्म अभिनेता थे, लगता है पहचानती, आपकी एकमात्र पुत्री शर्मिला का पति। सुकांत ने फिल्मों में काफी नाम कमाया था, आप तब वर्तमान में डॉक्टरी कर रही थी। सुकांत का भी वहां काफी आना जाना था, और था तो वो वहीं का लड़का। आते जाते आपकी बेटी से उसकी जान पहचान हुई, प्रेम हुआ। आप सुकांत के खिलाफ थी इसीलिए वो आपकी लड़की को भगा कर ले गया, और आपकी लड़की शर्मिला भी फिल्मों में हीरोइन बनना चाहती थी। कुछ दिन दोनों एक दूसरे के साथ रहे, रहते रहते दोनों को एक दूसरे के मिजाज के बारे में पता चला। दोनों बड़े गुस्सीले थे, अक्सर झगड़ते थे, लेकिन इस झगड़े की 2 वजह थी। एक ये कि सुकांत कभी भी शर्मिला को हीरोइन बनाने में खास दिलचस्पी नहीं लेता था,
और दूसरी ये कि वो दुष्चरित्र था, आए दिन लड़कियों के चक्कर में रहता था। एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि आपकी बेटी शर्मिला ने छुरा लेकर उसके चेहरे को चीर डाला। अपनी जान बचाने के लिए उसने उसका गला दबाया और उसे मार डाला। खुद तो घायल हो गया, इसलिए 3 महीने उसे अस्पताल में भी बिताने पड़े। बात अदालत में पहुंची, जज साहब तो उसका चेहरा देखकर खुद ही सहम गए। आपने उसके खिलाफ अदालत में गवाही दी, लेकिन वो बच गया। उसके हाथ में कोई औजार नहीं था, औजार तो आपकी बेटी शर्मिला के हाथ में था। बस आत्मरक्षा की दुहाई देकर सुकांत बच निकला। सब गलत, उसने पहले गला घोंटकर मेरी बेटी को मारा था, बाद में अपने आप अपनी शक्ल को बिगाड़ा था। डॉक्टर शोभना, ये बात यकीन करने लायक नहीं है। वो तो फिल्मों का हीरो था, अपनी शक्ल खराब करके अपना भविष्य क्यों बिगाड़ता? खैर, जेल से तो छुटकारा पा गया वो, शक्ल उसकी बदसूरत थी। बस इस हीरो की फिल्मी दुनिया यहीं पे खत्म हो गई। फिर वो कलकत्ता छोड़कर पटना आया और ब्लैकमेल का धंधा उसने शुरू किया। काफी केस मिले उसे, कलकत्ता, कटक, गया, लेकिन उसने किसी से कोई ज्यादती नहीं की। 6-6 महीने बाद अपनी रकम वसूल करता था, अक्सर कलकत्ता आता था। जब कभी यहां आता, इसी होटल में ठहरता था, और आप भी जब कभी यहां आती, यहीं ठहरती। अब ये तो संयोग की बात है कि एक दिन आपने उसे यकायक यहीं पर देख लिया। शायद उसने आपको देखा नहीं, अगर देखता तो होशियार हो जाता। आपके मन में बदले लेने की इच्छा 10 साल से राख बनकर दबी हुई थी, बस सुकांत को देखते ही बदले की आग धधक उठी। जिसने आपकी लड़की को मारा था, उसे आप कैसे छोड़ती? फिर उस दिन डिनर के बाद आप अपने कमरे में इंतजार कर रही थी। खून कैसे करेंगी ये तो आप पहले से तय कर चुकी थी, बस मौके का इंतजार था। करीब 9:15 बजे से सुकांत के कमरे में लोग आ जा रहे थे, करीब 10 बजे ये सिलसिला खत्म हुआ। हथियार लेकर आप अपने कमरे से बाहर निकले, सारे कमरों के दरवाजे बंद थे। जो नौकर सीढ़ी के सामने सोता था वो भी नहीं था, बस यही मौका था। आप सुकांत के कमरे की तरफ गई। आपके साथ राजकुमार बासु का कोई संबंध था यह बात तो कोई नहीं जानता था, इसलिए कोई आप पर शक भी नहीं करता। बल्कि जो लोग राजकुमार बासु से उनके कमरे में मिलने गए, सारा शक तो उन्हीं पर पड़ता ना। लेकिन आप दो छोटी छोटी गलतियां कर बैठी। एक तो यह कि उस दिन जब इंस्पेक्टर साहब आपसे जिरह कर रहे थे, आपने बताया कि राजकुमार बासु को आपने कभी देखा नहीं था। जी नहीं, पहले कभी नहीं देखा। वो चेहरा देखती तो जरूर याद रहता। लेकिन राजकुमार बासु का चेहरा देखने लायक नहीं है, यह आपको कैसे पता चला? दूसरी गलती, जब आपसे पूछा गया कि क्या आप 103 नंबर वाले को पहचानती हैं, तो आपने कहा कि देखा तो था लेकिन कोई जान पहचान नहीं। अगर आपने 103 नंबर वाले को देखा होता तो यह जाहिर है कि 102 नंबर वाले को भी देखा होता, लेकिन यह बात आप छुपा गई। लेकिन ये दो बातें मेरे मन में घर कर गई। और जब 10 साल पुराने अखबार में सुकांत सोम के केस की कार्रवाई के बारे में पढ़ा, तो मुझे पता चला कि सुकांत सोम की बीवी शर्मिला आप ही की बेटी है, तब मेरा शक पक्का हो गया। सब गलत है, सुकांत ने मेरी बेटी का खून किया था, लेकिन मैंने सुकांत का खून नहीं किया और करूंगी भी कैसे? मेरे पास क्या कोई छुरा छुरी है? जी हाँ है, देखिए उस बैग में देखिए। नहीं है, नहीं है, देख लीजिए आप, देख लीजिए, देख लीजिए। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए मुझे। चलिए, खून करने का औजार भी मिल गया, वरना कुछ परेशानी होती।